जी सर, आ रही है सर, आवाज़ आ रही है सर। प्रणाम सर, प्लीज। प्रणाम सर, अब आपकी आवाज़ आ रही है सर, प्लीज़ कृपया हम शुरू करेंगे। जी सर, जी 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 हेलो, आवाज़ सुनाई आ रहा है? जी सर, आ रहे हैं सर। जी सभी को नमस्ते। हम आज अगली कड़ी आयुर्वेदीय रोगों ज्ञान की अगली कड़ी में बात कर रहे हैं। हमने शुरू से देखा कि आयुर्वेदीय पद्धति से चिकित्सा करने के लिए केवल रोग नाम की आवश्यकता नहीं है, तो हमें चिकित्सा दोषों के आधार पर करनी पड़ती है और इन दोषों के आधार पर जो चिकित्सा की जाती है वह चिकित्सा हेतु विपरीत होती है। इसलिए हमें चिकित्सा के लिए, विपरीत चिकित्सा करने के लिए हेतु का ज्ञान अनिवार्य है। और दूसरी बात, हेतु त्याग करना भी अनिवार्य है। चरक कहते हैं, त्यागात विषम हेतु नाम विषमान अनुबंधन्ते। हेतु का त्याग करने के बाद त्यागी कर दोषों की निर्मिति नहीं होती है और स्वभाव परमः, इस सिद्धांत के अनुसार रोग स्वयं शांत होने लगता है। इसलिए हेतु त्याग अनिवार्य है और हेतु के ज्ञान के आधार पर दोष निर्णय अनिवार्य है और दोष निर्णय होने के बाद फिर अगर अवस्था निर्णय करना पड़ता है, साम है, निराम है, संसर्ग है, संधिपात है, दोष स्वतंत्र है, दोष परतंत्र है, ये निर्णय हमें करना पड़ता है। और ये निर्णय होने के बाद अवस्था के विपरीत चिकित्सा करनी पड़ती है। और ये अवस्था विपरीत चिकित्सा हेतु के विपरीत होती है। जिन हेतुओं ने ये अवस्था निर्माण की है, श्रेष्ठ प्रवृत्ति, संसर्ग, संनिपात, स्वातंत्र्य, पारतंत्र्य, अमावस्था, इन हेतु के ये करने वाले हेतु के विपरीत चिकित्सा करनी पड़ती है। अतः स्थूल रूप से हमें आयुर्वेदीय निदान जब करना है रोग ज्ञान, तो हेतु निकालना, हेतु के आधार पर दोषों का निर्णय करना, हेतु के आधार पर अंशों की कल्पना करना, हेतु के आधार पर संसर्ग संधिपात समझना, हेतु के आधार पर दोष स्वतंत्र है या परतंत्र है ये निश्चित करना, इतना सब करने के बाद हेतु त्याग करना और हेतु त्याग के बाद हेतु विपरीत चिकित्सा करना, यह अपेक्षित है चिकित्सा में। इसलिए
हमारी रोग निदान की पद्धति ये मॉडर्न से भिन्न है। हम हेतु निकालते हैं तो हमने हेतु के विषय में हेतु की व्याख्या देखे, हेतु की क्राइटेरिया देखे, हेतु कैसे निकालना ये देखे, और उसके बाद हमने हेतु के आधार पर दोष निर्णय कैसे करना ये भी देखा। अब एक तीसरी कड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हेतु जब हम ये कहते हैं कि हेतु ये विधि विपरीत आहार आचार विचार से होते हैं, हेतु उसी को कहते हैं जो विधि के विपरीत है, और इस विधि में दिनचर्या ऋतुचर्या रात्रिचर्या भोजनचर्या जो ग्रंथकारों ने आदेशित की है उसका पालन हमें अनिवार्य रूप में करना पड़ता है, और जिनका पालन हम यानी पेशेंट्स करते नहीं तो व्याधि होने वाला है, और इन ये व्याधियों से बचने के लिए परीक्षण में हमें ये देखना है कि रोगी किस प्रकार का अपचार करता है, विधि विरहित करता है, अविधि करता है, वो हमें देखना है। इसलिए आज हम विस्तार से विधि किसको कहते हैं, विधि क्या है, इसका अभ्यास हम करेंगे। उसके लिए चरक विमान स्थान अध्याय एक, विमान अध्याय एक श्लोक नंबर 22 या 23। थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इसको? हाँ, अगला श्लोक ये छोड़ दीजिए, प्रकृति को 23 से लो, इस पर बात नहीं करेंगे, समय बहुत जाएगा। मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि इसमें हाँ यहाँ से प्रारंभ करेंगे। इसके पहले के जो श्लोक है उसमें आयतन बताया है, प्रकृति करण देश काल संयोग वगैरह वगैरह, ऐसे 8 आयतन है। ये संस्कृत आहार बनाने के पद्धति में आते हैं, तो उसको अभी नहीं लेंगे हम, क्योंकि उसका विस्तार बहुत करते हुए कहेंगे तो समय कम पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ बहुत कठिन नहीं है, तो वो आप लोग पढ़ के भी सब देख सकते हैं। प्रकृति करण संयोग राशि वगैरह वगैरह ये 8 है, उसको आप पढ़ के समझ लो, और जहाँ आपको कठिनाई हो मुझे आप डायरेक्ट फोन कर सकते हो, मैं उसका स्पष्टीकरण करूंगा। अब हम देखेंगे विधि क्या है। अब ये विधि इसका आगे का श्लोक 24 का पहला, हाँ अब यहाँ थोड़ा बड़ा करो, हाँ अब ये पढ़ो, कौन कोई है पढ़ने वाला तो पढ़ो। तत्रे दमाहार विधि विधानम्, तत्रे दमाहार विधि विधानम् रोगाणाम् आतुराणाम् चापि केशांचित काले
प्रकृत्यैव थोड़ा बड़ा कीजिए प्रतीक जी। हितम भुंजानाम हिततमम भुंजानानाम भवति उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्य विरुद्धम। सूत्र को मैं विस्तार करता हूँ, एक शब्द को स्पष्ट करता हूँ। तत्र इदम आहार विधि विधानम, ये आहार का विधि विधान है, आहार के विधि का व्याख्यान है, विधान यानी व्याख्यान। तो ये किसके लिए है? तो आतुराणाम अरोगाणाम आतुराणाम, जो ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है और रोगी के लिए भी है, और कुछ व्यक्तियों को प्रकृति तथा हितकर द्रव्य खाते हुए भी इसका पालन करना पड़ता है। केशा उचित काले प्रकृत्या एव हिततमं भुञ्जानानां भवति, जो लोग भोजन भोजन के योग्य समय पर ही करते हैं, और जो प्रकृतितः हितकर द्रव्य है, चित्तम है, उन्हीं का सेवन करते हैं। यहाँ भुंजान आराम, ये शब्द भुंजान भुंजन भुंजन शब्द है, और इसका ये प्रेजेंट पर ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो भुंजन का गच्छन के समान चलता है, ये षष्ठी बहुवचन है। भोजन करते हुए जो इस प्रकार का भोजन करते हैं, नित्य करते हैं, जो हिततम द्रव्य है उनका ही सेवन करते हैं, और जिस समय भोजन करना चाहिए उसी समय करते हैं, यथा योग्य काल में, उनको भी ये विधि का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई ये कहे कि मैं हितकर द्रव्य ही खा रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होगा, ये भावना गलत है। हितकर पदार्थ भी विधियुक्त खाने चाहिए। इसलिए ये विधि आरोग्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है, और स्वस्थ व्यक्ति में भी नित्य हितकर भोजन करने वाले के लिए भी है, और रोगी के लिए तो है ही, सबके लिए है। और खास बात ध्यान रखनी है कि नित्य हितकर भोजन करने वाले को भी ये पालन करना अनिवार्य है। प्रकृत्या एव काले हिततमं भुञ्जानानां भवति, हितकर खाते हुए भी उनको पालन करना पड़ेगा। अब वो क्या है, तो उसका क्रम बताया है, वो मैं भी नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि आगे पढ़ने वाला हूँ। नेक्स्ट श्लोक अगला 25 एक हाँ। अब पहला था उष्णम अस्नेहात्, अब भोजन उष्ण करना चाहिए, ये शास्त्रकर्ता का नियम है, उसका पालन नित्य करना है, ये ऑप्शनल नहीं है, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे नहीं। यदि आपको दीर्घायुष्य चाहिए और आजीवन स्वस्थ रहना है, तो गर्म ही भोजन करना है,
या गर्म शब्द का अर्थ उष्ण है, स्वभाव से उष्ण नहीं जो अग्नि संस्कार से उष्ण है। उष्ण क्यों? तो उष्ण भोजन करने के बाद उष्ण भोजन ये स्वयं रुचिकर होता है। उष्ण ही स्वदते रुचि आती है। ये उष्ण भोजन जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है समान गुणत्वात्, और जाठराग्नि दीप्त होने के कारण क्षिप्रम जलाम गच्छति, इसका परिणाम उचित काल में हो जाता है। और पुष्ट होने के कारण ये श्रोतसों की गति भी बढ़ाते हैं, इसलिए वायु का सम्यक संचार होता है, गति करता है। और पुष्ट गुण से ये श्लेष्मा को भी क्षीण शीत गुण श्लेष्मा का कम करता है। इसलिए हमें आवश्यक है कि हम भोजन उष्ण उष्ण करें, अग्नि संस्कारित करें। अब इसमें एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि एक बार खाना बना के रख दिया है वो ठंडा हो जाएगा, फिर समय पर भोजन नहीं किया तो फिर क्या करना? फिर भोजन गर्म कर सकते क्या? गर्म तो करता। उष्णम उष्णिकृतम पुनः इसका विरोध करते हैं। ये विरोध इसलिए है कि बार बार गर्म करने से खाना सूखा हो जाएगा। रोटी आप बार बार गर्म करो तो कड़क हो जाती है, सूख जाती है, जलीय अंश निकल जाता है, इसलिए वो विरोध करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम थोड़ा सा गुना करके खा सकते हैं। नियम है कि अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेश मध्यम मार्ग, एकांतिक पालन करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी आप समय ऐसे समय आया तो आप थोड़ा सा गर्म करके तो ले सकते हो, एकदम कड़क बहुत गर्म किया तो सूख जाएगा, फिर उसको परिणाम में समय लगेगा, उसका गर्म पाक हो जाएगा। तो उसके पूर्व आपको गरम थोड़ा सा गरम करके खाना है। उसकी पद्धति यह है, गरम बर्तन पे रखो, गरम बर्तन पे रखो, गरम पानी में बर्तन रख के गरम करो, इस प्रकार आप गरम करके कर सकते हो। दूसरा इसके बाद है स्निग्ध मछलियां। भोजन में नित्य स्नेह होना चाहिए, वो मात्रा में होना चाहिए, अतियोग नहीं। और ये स्नेह भी ऋतु के अनुसार बदलना चाहिए। वर्षा में तिल तेल, शरद में घी, वसंत में तिक्त सिद्ध घी, तिक्त मधुर सिद्ध घी, और ग्रीष्म में घी। इस प्रकार ऋतुनुसार घी स्नेह बदलना है। और स्नेह के और नियम है, अति शीतावस्था में रात्रि स्नेह नहीं खाना है, ऋतुचर्या है कम खाना है। इसलिए स्निग्धम स्नेहात ये नियम भी आपको ध्यान रखना है। अब स्निग्ध भोजन क्यों करना है तो उसका भी आप कारण बताते हैं। स्निग्धम भुंजमानम स्वदते, उससे रुचि आती है। और स्नेह अग्नि को उदीरित करता है। और जिस जो आहार स्नेह युक्त है वो जल्दी परिणमित होता है, जल्दी पचता है और वायु का अनुलोमन भी करता है। साथ साथ शरीर को उपचित करता है, रसरक्तादि
धातुओं को बनाता है, इंद्रियों को दृढ़ करता है और सब सबका मिलकर परिणाम यह होता है कि बल की वृद्धि होती है और उत्तम वर्ण स्वच्छ वर्ण बल स्वर आदि मिलते हैं, इसलिए भोजन स्निग्ध होना चाहिए। नेक्स्ट, हम जब रोगी के आहार का विचार का परीक्षण करेंगे, क्या खाता है, कब खाता है, कितना खाता है, तो उस समय हमारे मन में इन सभी भावों का समावेश होना चाहिए। इन सभी भावों के आधार पर उसके हेतुओं का परीक्षण करना है और जो इसके अनुसार नहीं है वो हेतु बनेगा, ये बार बार ध्यान रखना है। यदि कोई शीत खाता है, सुबह बनाया हुआ खाना शाम में बिना गर्म किए खाता है अथवा दोपहर में खाता है वैसे के वैसे, अथवा फ्रिज का निकाल कर खाता है, वो गलत है। इसलिए इन नियमों को रोगी पालन करता है कि नहीं ये निश्चित करना है, जो ये पालन नहीं करता वो हेतु है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आप सबसे महत्वपूर्ण है मात्रावत अश्नेया, मात्रावत यानी मात्रायुक्त अश्नेया। अब मात्रावत शब्द का संधि में ध बना है, मात्रावत ही, तो ये शब्द है मात्रावत और ही, तो ही का और का मिलाकर धी बना है, तो मात्रावध ही भुक्तम। अर्थ यही है कि जो मात्रा से युक्त है ऐसा भोजन क्या करता है, वात पित्त कफान अपीड़यन आयुर्वर्धयति, वात पित्त श्लेष्मा को बिना दुष्ट किए आयु बढ़ाता है और सुखपूर्वक मलानुरोमन होता है, अग्नि को मंद नहीं होने देता और परिपाक बिना किसी शूल आदि के होता है, शूल दाह के बिना होता है, इसलिए मात्रावत खाना चाहिए। अब प्रश्न है मात्रा किसको कहेंगे, आप रोगी को ये भी पूछेंगे आप कितना खाना खाते हो। तो जिस व्यक्ति की जो आयु है और जो कार्य वो करता है उसके लिए जितना आवश्यक है उतना आहार तो उसको खाना ही चाहिए, उसको कहते हैं मात्रावत। और ये मात्रावत भी इसकी परीक्षा है, जो खाने के बाद आहार का परिणाम सुखपूर्वक होता है, दोषों की वृद्धि होती नहीं और मलानुलोमन सुखे होता है, ये मात्रा की क्राइटेरिया है, सम्यक मात्रा के क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया विमान स्थान के अध्याय 2 में क्लास के तो है। हेलो, गाड़ी सांगितले का, हेलो गाड़ी सांगितले का, हेलो, तो उसमें एक और बात बताई है कि जो आहार शरीर का उपचय करता है, बल वर्ण स्वर प्राप्त कर देता है। हेलो, हाँ गाड़ी संगीत का,
गाड़ी संगीत लिया करता है, धातु उपचित करता है, इतनी मात्रा होनी चाहिए, इससे कम मात्रा ना हो, और ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है जो आहार सेवन करने के बाद बिना कष्ट किए, बिना हेलो हाँ तो ये भी ध्यान लाया है कि बिना कष्ट किए परिणाम होना चाहिए। सुबह खाया शाम तक परिणाम हो गया, शाम को खाया सुबह तक परिणाम हो गया, इतनी मात्रा उचित मात्रा है। अब इसके बाद क्या आता है मात्रावध के बाद का, मात्रावध अश्नियात के बाद अगले आगे नेक्स्ट आगे मात्रा के बाद चार हो गया, पांचवा है क्या? हाँ चार 22। अब मात्रा में राशि भी देखना है। अब ये राशि देखते समय समग्र आहार की राशि देखना है और साथ में एक एक द्रव्य की राशि कितनी हो ये देखना है। ये इसलिए महत्व का है कि जब हम कोई विशेष पदार्थ खाते हैं, गुरु आम्र रस या रबड़ी या हलवा, तो ये गुरु तरह पदार्थ है, इस समय इनकी मात्रा सीमित लेकर अन्य द्रव्यों की मात्रा थोड़ी कम करनी है। प्रायः ऐसे होता है कि रोज की भोजन की जो मात्रा है वो हम लेते ही है, दो रोटी चार रोटी चावल में तो खाते ही है, और जिस दिन ऐसा कुछ किया है उस दिन ये रोटी बिना कम किए हम एक कटोरी दो कटोरी तीन कटोरी आम का रस पी लेते हैं। ये समग्र राशि ठीक नहीं है, ये तीक्ष्ण व्यक्ति के लिए ठीक है, तीक्ष्ण अग्नि के लिए, लेकिन समाग्नि के लिए ठीक नहीं है। अग्नि सम मध्य और तीक्ष्ण ऐसे तीन प्रकार के होते हैं, तो समाग्नि वाले को यह अत्याचार होता है या अपचार होता है, तीक्ष्णाग्नि को यह अपचार चल सकता है। तरुण व्यक्ति, पितृ प्रकृति और व्यायाम करने वाला व्यक्ति इनका अग्नि तीक्ष्ण होता है, उनमें यह अपचार चलेगा, लेकिन जो व्यायाम करता नहीं है, परिश्रम करता नहीं है, श्लेष्म प्रधान व्यक्ति है, वो व्यक्ति यदि ऐसे कुछ विशेष पदार्थ होने के बाद भी अपना मूल आहार की मात्रा कम नहीं करता, उसमें आम प्रदोष निर्माण होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि आप राशि भी देखो। अब इसके बाद है जीर्ण अश्नियात। तो जीर्ण अश्नियात ये हमें बहुत ध्यान से समझना है, इसमें गलतियां होती है। क्या गलतियां होती है मैं एक एक करके बता रहा हूं, बताऊंगा, पहले श्लोक समझ लेंगे। जीर्ण अश्नियात, यहाँ जो शब्द है जीर्ण, ये जीर्ण शब्द की सप्तमी है, सती सप्तमी इसको कहते हैं। जीर्ण सती अश्नियात, जब आहार पहला पूर्णतया परिणत हो जाए तब भोजन करेंगे। यहाँ मैंने शब्द का प्रयोग किया है पूर्णतया परिणत हो जाए, इसका अर्थ यह है कि कभी कभी आहार पूर्ण परिणत न होते हुए भी क्षुधा उत्पन्न होती है। फिर से
वाक्य रखता हूं मैं, कभी कभी आहार का पूर्ण परिणमन बिना हुए भी आमाशय रिक्त होता है, आमाशयस्थ दोष का क्षय होता है, भूख लगती है किंतु शेष स्थानों में अन्न का परिणमन बाकी है। इसलिए स्थैर्य गौरव मलवात का ये निस्सरण नहीं होना ऐसे लक्षण होते हैं, तो इस समय भोजन नहीं करना है क्षुधा होने के बाद भी। इसलिए जीर्णे अश्नियात ये लिखना पड़ा, वो इस प्रकार लिख सकते थे भूख लगने पर खाओ करके। क्षुद बोधे अश्नियात क्षुदायाम जातायाम अश्नियात ऐसा बोल सकते थे, नहीं ऐसा नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा जीर्णे अश्नियात, ये दो शब्दों में अंतर है। क्षुधायाम अस्नियात में क्षुधा उत्पन्न होने के बाद भोजन करो, और जीर्ण अस्नियात का अभिप्राय है आहार पूर्ण परिणमन होने के बाद ही भोजन करो, और उसके लक्षण अष्टांगोदय के सूत्र स्थान के आठवें अध्याय में अंतिम श्लोक में दिए हैं, वो आप लिख लो और पढ़ लो। अष्टांगोदय सूत्र स्थान अध्याय 8 अंतिम श्लोक प्रसुष्टे मिन्मूत्रे ये प्रारंभ है। ये लक्षण जीर्ण आहार के हैं, जब ये लक्षण उत्पन्न हो जाए तभी भोजन करना है, अन्यथा नहीं करना है। कितनी भी भूख लगने दो, थोड़ा सा तर्पण ले सकते हैं आप, नींबू रस नींबू पानक थोड़ा सा ले सकते हैं आप थोड़ा, लेकिन भोजन नहीं करेंगे आप। इसलिए जीर्ण अश्नियात, यदि आप अजीर्ण भोजन अजीर्ण अवस्था में भोजन करते हैं उसके दुष्परिणाम होते हैं, और ये उन्होंने ये ग्रंथकर्ताओं का प्रत्यक्ष है, इसलिए वो जोर देकर कह रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? भोजन पूर्ण जीर्ण होने के बाद ही दूसरा भोजन करना है, ऐसा ग्रंथकार क्यों कहते हैं? और इस बात को हमें रुग्ण में पूछना है, आप भोजन कब करते हो? पेशेंट कहेगा मैं घड़ी लगाकर भोजन करता हूँ, लोग मेरे भोजन करने पर घड़ी लगाते हैं, नहीं गलत है, घड़ी का संबंध भोजन से नहीं है। तो ग्रंथ में जो जीर्ण आहार के लक्षण बताए हैं वो उत्पन्न होने के बाद ही भोजन करना है। अब नहीं करते हैं तो क्या होता है ये भी समझना आवश्यक है। यदि आप अजीर्ण भोजन करते हो तो क्या होता है ये भी ग्रंथकार बताते हैं। क्या बताते हैं? अजीर्ण ही सप्तमी है, भुंजानस्य भुंजन शब्द है, उसका भुंजान वकारावि है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रतिदिन गलती करता है। उस समय क्या होता है? अव्यवृत, अव्यवृत भोजन किया हुआ, यहाँ अभी ये उपसर्ग है, और अव्यवृत अभी भी उपसर्ग है, और रुत भोजन किया हुआ, आहार जातम किया हुआ भोजन। पहला भोजन अजीर्ण है, पूरा परिणमन हुआ नहीं है, अब ये नया आहार आपने डाला है, अब क्या होता है? तो पूर्वस्य यानी पहला लिया हुआ सुबह का या शाम का,
उसमें रस धातु अपरिणत है, उसका पूरा परिपाक नहीं हुआ है, रस आवाशय रिक्त हो गया लेकिन रस धातु का पूर्ण परिणाम नहीं हुआ है। एक, अब इसके ऊपर आप दूसरा आहार डाल रहे हैं, उसका आहार रस बनता है, पहले का आहार रस बाद में आया हुआ आहार रस दोनों दोनों मिल जाते हैं और ये दोनों मिलकर क्या होता है, जो उत्पन्न होता है वो सुप्तावस्था उत्पन्न होती है, अभविष्य उत्पन्न होता है और इसका परिणाम ये है कि तीनों दोषों का प्रकोप शरीर में होता है। और ये यदि रोगी इस अवस्था को समझता नहीं है तो ये प्रतिदिन करता है और प्रतिदिन होने का परिणाम ये होता है उसके शरीर में अवश्य का प्राबल्य बढ़ता है और ये सबसे बड़ा व्याधि का हेतु है। इसलिए रोगी को आहार विहार का परीक्षण करते समय आपको ये देखना है कि आप भोजन पहला आहार पूर्ण जीर्ण होने के बाद करते हो या आप भूख लगने के बाद करते हो या बिना भूख लगे ही कर लेते हो, ये पूछना है आपको। ये सबसे बड़ा हेतु है सभी व्याधियों का। इसलिए हेतु परीक्षण में आपको इसका उपयोग करना है। इसके बाद उसका वर्णन किया है कि हमने ऐसा क्यों कहा, जीर्णे अस्ति क्यों कहा, उसका कारण देते हैं कि इसका महाश्रोत पूर्ण रिक्त है, अनावृत है, उसका अग्नि अच्छा प्रज्वलित होता है, दोष अपने अपने स्थान में चले जाने के कारण अग्नि अनावृत होता है और अग्नि भी प्रदीप्त होता है और श्रोतस खुले रहते हैं श्राव करने के लिए और शोषण के लिए भी। इसलिए ये नियम पालना अनिवार्य है कि यदि आप आहार जीर्ण होने के बाद भोजन करते हैं तो वो धातुओं को बिना दुष्ट किए आयु को बढ़ाता है, अन्यथा आयु कम करता है। इसलिए जीर्णे अश्नियात, यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15 में एक श्लोक है, वो ये है, प्रातरा से अजीर्णे तु सायमा से अजीर्णे तु प्रातरा सो ही दुष्यति, निकाल सकते हो तो निकालो नहीं तो रहने दो। तो मैं अर्थ बताता हूँ, यदि रात्रि का भोजन जीर्ण नहीं हुआ है और सुबह आप उसके ऊपर कुछ डालते हैं तो तीनों दोषों का प्रकोप होता है। ये हाइपर एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है और अमोदोष का भी बड़ा कारण है। इसलिए सायं का आहार दूसरे दिन सुबह तक यदि परिपूर्ण नहीं परिणमित हुआ तो उन्हें कुछ भी नहीं डालना है, न दूध न चाय न कॉफी न बिस्किट न डबल रोटी न कुछ। प्रातरा से अजीर्ण भी सायमाशो न दुष्यति, ऐसा लिखा है कि सुबह का भोजन जीर्ण नहीं हुआ पर आपने सायंकालीन भोजन किया कभी कभी गलती से तो कोई उतना कष्ट नहीं होगा, उतना दोष प्रकोप नहीं होगा, किंतु इसका विपर्य करना है, अर्थापत्ति लगाकर विपर्य करना है। रात्रि का आहार यदि परिणत नहीं हुआ तो वो
उसके ऊपर डाला हुआ दूसरा ये विदग्ध होता है। ये नीचे देखिए परिदग्ध अक्लिन्नेषु आसिक्तम अन्यत् दुष्यति। इसलिए क्लिन्नेषु अपक्लेषु आसिक्तम अदुष्यति। इसलिए नीचे का देखो नैशेषु आहार जातेषु नैशेषु आहार जातेषु अविपक्वेषु बुद्धिमान न अश्नियात। बुद्धिमान व्यक्ति ने रात्रि के भोजन यदि जीर्ण नहीं हुआ है तो कभी भी सुबह उठ के खाने की गलती न करे, ये ध्यान रखना है। ये आज के जीवन में सबसे बड़ा व्याधि का कारण है। कई व्याधियां मैंने केवल ये भोजन बन करके ठीक की है। सुबह का मैंने कहा सुबह का भोजन आप जो नाश्ता करते हो एक घंटा लेट करो, बस इतना करके व्याधियां मैंने ठीक की है बिना औषधि की। इसलिए ये भी आपको हेतु देखते समय ये विधान का पालन होता है या नहीं ये देखना है। चलो आगे नेक्स्ट। जीर्णे के बाद वीर्या विरुद्धम अश्नीया। वीर्या विरुद्धम अश्नीया ये वाक्य है पांच क्रमांक पे। अब ये वीर्या वीर्य अविरुद्धम अश्नीया संधि हुआ है। वीर्य अविरुद्धम अश्नीया। अब ये वीर्य अविरुद्ध क्या है इसका वर्णन चरक के 26वें अध्याय में किया हुआ है। विरुद्ध के क्राइटेरिया दिए हैं वो आपको पालन करना अनिवार्य है। विरुद्ध इसको कहते हैं हमें रोगी के आहार विहार का परीक्षण करते समय वो विधिपूर्वक है या नहीं ये देखना है। तो उसमें आपको ये भी देखना है कि कहीं विरुद्ध भोजन तो नहीं कर रहा है। अब यहाँ विरुद्ध शब्द का अर्थ समझना है तो 26 का एक श्लोक है वो आपको देखना पड़ेगा। वो ये है विरुद्ध के क्राइटेरिया बताते हैं, विरुद्ध का अर्थ बताते हैं। विरुद्ध का अर्थ है जो दोषों को कुपित करे, धातुओं को कुपित करे, उसी को विरुद्ध कहते हैं। अब इसपे बलवान उष्ण वीर्य और बलवान शीत वीर्य ये दोनों एक साथ खाते हो तो ये विरुद्ध है। उसी प्रकार बलवान उष्ण और बलवान उष्ण दूसरा पदार्थ एक साथ खाते हो तो वो भी विरुद्ध है। इस प्रकार 20 गुणों का विचार करना है। गुरु स्निग्ध पिछल मंद उष्ण तीक्ष्ण अभिशंदी ऐसे बलवान वीर्यों का विचार करना है। ऐसे समान गुण के अथवा असमान गुण के द्रव्य एक साथ खाना बलवान ये विरुद्ध है। तो देखना है भोजन कर समय कि आप क्या क्या खाते हो। लोग कहते हैं कि आप भी खाते हैं आम में आम के साथ आधा लीटर दूध भी पीते हैं ये विरुद्ध हो गया। चावल भी खाते हैं और नया चावल भी खाते हैं और उस पर भैंस का दूध भी पीते हैं दूध चावल खाते हैं ये विरुद्ध है। ग्रीष्म ऋतु है और आप फ्रिज का पानी पी रहे हैं ये विरुद्ध है।
इसको वीर्य विरुद्ध कहते हैं, और अविरुद्ध यानी इस प्रकार की गलती न करना यह अविरुद्ध है। ये विरुद्ध खाने से आम विष उत्पन्न होता है और व्याधि करता है, इसलिए ये भी पूछना है कि आप आहार क्या क्या खाते हो, और जो आहार खाता है उसमें बलवान वीर्य के कितने पदार्थ अधिक मात्रा में खाए जाते हैं, ये भी देखना है। अब नेक्स्ट ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। सामान्य चीज कि भोजन जब करते हैं तो उसकी जगह जो है वो स्वच्छ साफ सुथरी, जहाँ लोगों का आवागमन कम से कम है, केवल इष्ट मित्र प्रिय व्यक्ति ही जिसपे आते जाते हैं, इसलिए इष्ट जैसे इष्ट उपकरण बनते भोजन का साहित्य भी इष्ट होना चाहिए। जैसे पीतल का है, तांबे का है तो उसको कलाई करनी चाहिए, बासा है तो धो देना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और जगह भी भोजन की खाना बनाने की ये साफ सुथरी स्वच्छ संस्कारित होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो मनोविघात होता है, और मनोविघात से आहार परिणमन नहीं होता, इसलिए इष्ट देशे इष्ट उपकरणम इष्ट देशे पुण्य करना चाहिए। और इस पे भागवत ने और एक शब्द लगाया है, वो ये है इष्ट मित्र सहास्नियात, अपने इष्ट मित्रों को साथ में लेके खाइए, शत्रुओं को साथ में न खाइए, अथवा जिनकी दृष्टि भावना आपके विषय में अच्छी नहीं है उनके साथ मत खाइए। नेक्स्ट साथ नाति द्रुतम नाति विलंबितम स्नेहात, ज्यादा गड़बड़ नहीं करना, अच्छे तरह से जमा कर खाना, ज्यादा गड़बड़ नहीं करना। न अति द्रुतम, द्रुत खाना है, अति द्रुत नहीं करना है, इसलिए अगला शब्द है अति विलंबितम। नेक्स्ट अगला नाति विलंबितम, पहली पंक्ति में बैठा दूसरे पंक्ति में उठा, ऐसा भी नहीं करना है। मध्यम मार्ग लेना है, इसका भी परिणाम अग्नि पर होता है, इसलिए अहसन अजलपन, भोजन जब वाला मुँह में है तो हंसता भी नहीं, निवाला मुँह में है तो बोलना भी नहीं, निवाला खत्म होने के बाद बोलना हंसना आप कर सकते हो, लेकिन मर्यादा में, लगातार बड़बड़ कर रहे हैं तो भोजन ठंडा हो रहा, ऐसा नहीं करना। तो और इस प्रकार आहार देरी से खाने से, विलंबित खाने से ठंडा होता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, इसलिए अति विलंबित खाना भी नहीं खाना चाहिए। इस पे परिणाम न होने से अमावस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आत्मान शेते शेते वो नहीं आया, हाँ भुंजित, ठीक है, अजलपन अहसन तन मना भुंजित, भोजन में ध्यान पूरा भोजन में होना चाहिए, ज्यादा हंसता नहीं, ज्यादा बोलना नहीं, इस प्रकार करें तो इससे भी तन्मना भुंजित, पूरे मन पूरा अपना भोजन में रहना, उसमें भोजन में रुचि रहती है,
और परिणाम भी अच्छा होता है। नेक्स्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षण करते समय रोगी का, रोगी क्या खाता है ये परिकर्त देखते समय, वो जो कुछ खाता है वो उसको सात्व है ये नहीं देखना है। कैसे देखेंगे? उसकी प्रकृति कपज है तो वो शीत द्रव्य का प्रयोग कम से कम करेगा, गुरु द्रव्य का प्रयोग कम करेगा करेगा निषेध नहीं करेगा लेकिन कम करेगा। जैसे कदम प्रकृति का व्यक्ति है और रोज दूध दही खा रहा है, वो भी मैं इसका नहीं चलेगा एक दिन, ठीक है, लेकिन उसका अभ्यास ही करते नहीं चलेगा, क्योंकि वो उसके प्रकृति के विपरीत नहीं है। सात्विक का अर्थ है प्रकृति के विपरीत, काल के विपरीत, अवस्था के विपरीत, देश के विपरीत। अब कोकण में रहते हैं आप, अनूप में, तो आप गुरु द्रव स्निग्ध पिच्छल गुरु ये पदार्थ कम से कम खाएंगे और इनको संस्कार करके लघुत्तम करेंगे, बिना संस्कार के नहीं खाएंगे। इस प्रकार सात्व की व्याख्या विपरीत है, देश विपरीत, ऋतु विपरीत, अवस्था विपरीत, प्रकृति विपरीत। इस प्रकार रोगी जो खाता है वो उसके देश के दृष्टि से कैसा है। जैसे कुछ प्रांतों में स्नेह का प्रयोग अधिक होता है क्योंकि वो जंगल प्रदेश है, लेकिन वही व्यक्ति जब कोकण में आकर बसता है तो वहीं पर कोकण में आने के बाद उसकी आहार का विधि वही रहता है जो जंगल प्रदेश में रहता था, तो ये व्याधिकर होगा। इसलिए आपको रोगी को ये पूछना है आप रहते कहाँ हो और अभी कहाँ रह रहे हो, मूर्त आप कहाँ के हो, आपका आहार कैसा है, क्या खाते हो, तो और जो खा रहा है वो आहार विधि युक्त है या नहीं, उसमें आपको ये देख रहा है वो सात्व है या नहीं। उसके लिए सात्व का अर्थ एक सात्व ऐसा नहीं है, यानी अहितकर द्रव्य थोड़ा थोड़ा खाकर आदत लगा लिए, इसको उपसात्व्य नहीं करते हैं। सात्व वही होता है जो हितकर होता है। इस प्रकार आप हर रोगी को परीक्षण करते समय, हेतु निश्चित करते समय आप इन भावों का विचार करना अनिवार्य है और इसके आधार पर आप हेतु निश्चित जो विधि भी रहित है वो सभी हेतु है, फिर उनके गुण क्या है, उनके परिणाम क्या है, उनका वीर्य क्या है, वो अभिशन है क्या, उनकी मात्रा कितनी है, ये सब देखकर आप दोषों का निर्णय करेंगे और दोष बल का निर्णय करेंगे। दोष बल अधिक तब होता है जब हेतु की संख्या ज़्यादा होती है, हेतु की मात्रा ज़्यादा होती है और हेतुओं में सातत्य होता है, देश हेतु के समान होता है, दूष्य दोषों के समान होता है, तब देश दूष्य के दोष के समान होता है, तब व्याधि बलवान होता है। इस प्रकार आपको व्याधि विनिश्चय में हेतु निश्चित करना है, उसके लिए हर वस्तु का विधि सात्म्य हितकरत्व देखना अनिवार्य है। या इस प्रकार आयुर्वेदी आप डायग्नोसिस जब करेंगे तो आप हेतु का अध्ययन करेंगे, दोष निर्णय करेंगे, दोषों की अंशांश कल्पना देखेंगे, दोषों का स्वातंत्र पार्थत्व देखेंगे, दोषों का बल देखेंगे और दोषों ने कहाँ आश्रय किया है
वो देखेंगे। इसको कहते हैं आयुर्वेदीय डायग्नोसिस, अधिष्ठान क्या है और लक्षण क्या है और बल कितना है, और फिर चिकित्सा हम हेतु के गुणों के विपरीत करेंगे। इस प्रकार आयुर्वेदीय रोग निदान ये इन भावों के परीक्षण पर निर्भर होता है। ये निश्चित करना, इसी का नाम आयुर्वेदीय रोग परीक्षा है। रोगवाणु परीक्षण का अर्थ यह है, इतना जाने बिना आप चिकित्सा नहीं कर सकते। चिकित्सा करना है तो इतना जानना अनिवार्य है आपको। यहाँ पर मैं विषय समाप्त करता हूँ। पिछली बार का एक प्रश्न रहा था, उसका उत्तर अभी देता हूँ। उस समय मैंने कहा था कि दोषों के वृद्धि से अग्नि पर परिणाम होता है, और किसी महिला ने प्रश्न पूछा था कि ये स्पष्ट करो अग्नि पर परिणाम कैसे होता है, तो उसके लिए निकालो चरक विमान 6। चरक विमान 6 आपके पास ग्रंथ है तो ग्रंथ निकालो, नहीं तो यहाँ पर दिखाओ श्लोक नंबर 12, 6-12। बता रहे क्या प्रतीक? शो कर रहे हैं अपना प्रतीक जी। बता रहे लोग निकाल रहे। चलो 6-12। अग्नि शो दिखा रहा है ना इसमें श्लोक? जी नहीं, अभी शो नहीं हुआ प्रतीक जी। अभी दिख रहा है? जी अभी नहीं, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अग्नि से तो सारी रेशम चतुर्थी तो नहीं आ रहा है तो मैं। अब आ रहा है? जी हाँ आ गया है। थोड़ा बड़ा करो। हाँ अब यहाँ पर अग्नि परीक्षा का विधि दिया है, और इसके नीचे फिर दोषों का परिणाम उस पर कैसे होता है बताया है। तो पहला है अग्नि तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्णाग्नि की व्याख्या की है, सर्व अपचार सह, कुछ भी खाओ हजम हो जाएगा। तो उसके बाद मंद, इसके विपरीत मंद है, उसकी व्याख्या है अपचार असह। कोई अपचार सहन ही नहीं होता इसको। अन्न अपचार सह, अपचार नहीं किया तो भी सहन नहीं होता है। अन्न अपचार हो, अपचार कोई किया नहीं है, विधियुक्त ही खाया है, परिणाम नहीं हो रहा है, अखंड है। और समो उसको कहेंगे कि जो अपचार असह है। अब अपचार नहीं करते तब तो सब कुछ ठीक चलता है, पर आप जरा सी गलती कर दो, अपचार कर दो, अंडा खा लो, काल गलत कर लो, मात्रा गलत कर लो, बिगाड़ देगा ये। और अंतिम है विषम। विषम में इसकी प्रकृति विषम होती है, कभी अकस्मात हितकर आहार भी परिणाम नहीं करता, और कभी के हितकर आहार भी परिणाम कर लेता है। कभी कभी कम मात्रा में कम आहार किया है तो भी परिणाम नहीं कर सकता, और मात्रा में ठीक किया है तो भी नहीं कर सकता, उल्टा करता है। कभी कभी मात्रा ज्यादा कर ली तो ही पचा देता है, अल्प किए तो भी नहीं पचाता। इस प्रकार विषमता उसमें होती है। ये तीन प्रकार के अग्नि की अवस्था है। अब हम
परिणाम कैसे, ये परिणाम कैसा होता है वो देखेंगे। तो देखिए उसके लिए वो कहते हैं कि व्यक्ति की चार प्रकृतियां होती है, सम कपज पित्तज और वातज। अब जो समवात पित्त श्लेष्मा प्रकृति है उनका अग्नि सम होता है। बताओ यहाँ पर ये करो लाइट करो, कलर करो उसको। नहीं ये नहीं, ये नहीं, पहला ही, पहला ही उसको कलर करो। हाँ वातला नाम तो तत्र समवातपित्तश्लेष्मानां समा भवति अग्नयः। वातलानां तु यहाँ से पढ़ना है, वातलानां तु वाताभिभूतकोष्ठे वाताभिभूत अग्निस्थाने विषमा भवति अग्नयः। जब हम लगातार वातवर्धक हेतु करते हैं, जागरण, अधोगमन, अतिव्यायाम, उपवास, अल्पाशन अथवा शोधन बार बार करते हैं तो कोष्ठ में भी रुक्ष, लघु, परुष, विशद, खर इन गुणों की निर्मिति होती है। पित्त में भी इन गुणों की निर्मिति होती है, कोष्ठ के सभी अवयवों में भी ये उत्पन्न होते हैं और इसका परिणाम अग्नि विषम बनता है। पित्तलानाम पित्ताभिभूते, जो व्यक्ति पित्तकर द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, अम्ल, क्षार इत्यादि का सेवन बार बार बड़ी मात्रा में करता है तो उसका अग्नि तीक्ष्ण बनता है। इसमें और एक बात ध्यान देनी है, ध्यान रखो, मैं इसी का दूसरा प्रकार बता रहा हूँ। पित्तल व्यक्ति पित्तल हेतु में जब द्रवगुण का अधिक सेवन करता है, मध्य तैल लवण अम्ल रस जो द्रव प्रधान है उष्ण तीक्ष्ण है और अत्यम गोपान ऐसे करते हैं तो उनका अग्नि द्रवगुण से मंद होता है। द्रवगुण बढ़ने के बाद उसके उष्ण गुण का क्षय होता है, इसलिए वो आहार परिणत नहीं कर सकता। और श्लेष्मल व्यक्ति है, श्लेष्मा प्रधान आहार है, दूध लेता है, व्यायाम नहीं करता है, दिवा स्वाप करता है, बैठे रहता है, मेहनत नहीं करता है, उसके शरीर में शरीर के साथ साथ उसका कोष्ठ भी महाश्रोतस भी श्लेष्म प्रधान बनता है। गुरु स्निग्ध पिचिल मंद शीत और इसमें भी फिर श्लेष्म अग्नि भी मंद होता है, श्रोतोरोध भी होता है और अग्नि अवरुद्ध भी होता है, इसलिए इसका अग्नि मंद होता है। इस प्रकार प्रत्येक दोष में अग्नि में विकृति उत्पन्न होती है, जिसका परिणाम संभव तंत्र युक्ति से आपको ध्यान में रखना है कि अग्नि का कोई अग्नि पर परिणाम हुआ है या नहीं, इसलिए अग्नि की परीक्षा करना प्रतिरुग्ण में अनिवार्य है। आयुर्वेदीय डायग्नोसिस में प्रति व्यक्ति की अपचार्य प्रकृति और अग्नि परीक्षा करना अनिवार्य है। और यदि अग्नि दुष्ट है तो दोषों का साम्यावस्था लाने का प्रयास करना है और वो चिकित्सा तब तक करनी है जब तक अग्नि समावस्था में आकर
सर की आवाज म्यूट हो गई है किसी कारण सर से। की सर का म्यूट हो गया है ना हाँ वहां से। एक बार आप देखिए ना, आप देखिए एक बार प्लीज। जी सर जी, हाँ सर आ रही है आवाज सर। कहाँ तक नहीं आया, कहाँ से नहीं आया, कहाँ तक आए थे समझ में? पकड़ी समझ में आया? जी जी सर, हाँ, तो आयुर्वेदीय निदान में आपको इन बातों को डायग्नोस करना अनिवार्य है। इसके आधार पर ही आप औषध का चयन कर सकते हो, मात्रा निश्चित कर सकते हो। इसलिए औषध चयन के लिए मात्रा निश्चित के लिए इतना अध्ययन अनिवार्य है। ये विषय यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सभी ने शांति से सुना, इसलिए आपका सभी का आभार प्रदर्शन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये विषय समाप्त करता हूँ। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें पुनः इतना अच्छा समय दिया और पूरी खुलकर विचार चर्चा की सर ने हमारे साथ। तो हम सर का पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो हाँ, पूछ सकते अगर हैं। किसी का कोई भी प्रश्न है तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करके वो स्वयं पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी प्रणाम प्रश्न। सर। जी बोलो सर, अगर किसी रुग्ण में मल का निष्कासन नहीं हो रहा है सर, उसको विबंध बना हुआ है 2 या 3 दिनों से, तो सर क्या उसको भी आहार का त्याग करना चाहिए? निश्चित करना चाहिए। जो ये होता है इसका अर्थ ये है कि उसको विधि कुछ ना कुछ विधियों में गड़बड़ हो रही है, या तो अल्पाहार खा रहा है, या तो रुक्ष खा रहा है, या तो गुरु आहार खा रहा है जिसका विष्टम आहार खा रहा है, जिसका परिणाम है कि पेट साफ नहीं हो रहा है। ये और इसको चिकित्सा करनी है तो आपको इसको बुधवर्ती देकर आप ये कर सकते हो, बुधवर्ती देकर फल निकाल सकते हो, या तो सामान्य निरोह देकर साप निकाल सकते हो। जी सर, धन्यवाद। तिष्ठ निरो नहीं देना, समावस्था में तिष्ठ निरो नहीं देना। जी सर। और कोई प्रश्न है कृपया पूछ सकते हैं। जी कोई प्रश्न है? हाँ जी, थोड़ा ऊँचे बोलिए प्लीज। सर मेरा प्रश्न है, आपने बताया था जीर्ण अश्नियाद में कि कभी कभी जो आहार होता है वो पूरी तरीके से उसका पाचन नहीं होता, लेकिन तब भी शुदा उत्पन्न होती है। हमें कैसे पता चलेगा सर इस अवस्था का कोई लक्षण? जो शुदा तो लगती है, लेकिन अधोदर में गौरव है, अधवन है, हवा निकल नहीं रही है, भोजन की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे लक्षणों के आधार पर आप निर्णय कर सकते हो। उसका वर्णन हाँ ये है, इसे दिखाया, देखो प्रसुष्टे बिन उतरे दुर्देश विमले
दोषे स्वपदगे विशुद्धे उद्गारे शुद्धपगमने वातेनुसरिते अग्नौ उत्रिक्ते निषेधकरणे तेज सुलगौ वैयुंगीत आहारम। अब इसका विपर्य करो, इसका विपर्य कैसा करेंगे? भूख तो लगी है लेकिन वायु का अनुसरण नहीं हो रहा, मल का अनुसरण नहीं हुआ, नाक कान घसा गुद इत्यादि स्रोतस ये विशद नहीं है, स्वच्छ नहीं है, देह में उदर में गौरव है, ये लक्षण यदि है और भूख लगी है तो भोजन नहीं करना, थोड़ा आधा घंटा घंटा वेट करना, इसका विपर्य करना है। ठीक है सर, ठीक है जी सर। सर एक प्रश्न था, जो हमारा आज का मॉडर्न विषय में हम थायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के विषय में विचार करते हैं, इसको हम आयुर्वेद में बोलो, आयुर्वेद में किस दृष्टि से देखेंगे सर? जो अब तक मैंने बताया वो पूरा का पूरा यहाँ फॉलो करना है। हम चिकित्सा अवयव की नहीं करते, हम चिकित्सा व्याधि की नहीं करते, हम चिकित्सा दोषों की करते हैं। दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणां एक कारणम, ये हमारा सिद्धांत है। तो इसलिए हम हेतु आहार विहार विधि विरहित कौन सा है, दोष कौन सा है, अधिष्ठान थायराइड है जी सर, अग्निमंड है, समावस्था में है, हम इनके चिकित्सा करेंगे, हेतु बंद कर देंगे, दोषों का शोधन कर देंगे, दमन करेंगे, अंगीकरण करेंगे और दोष शमन करेंगे, और आवश्यकता हो तो लोकल आए लोकल चिकित्सा में लेप वगैरह करेंगे, यही हमारे विषय। इससे पेशेंट ठीक होता है, ठीक है सर, लेवल नॉर्मल आती है, उसका दृश्य जी करके देखो जी सर, एक बार करके देखो तो विश्वास आएगा आपको जी। कोई और प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कोई और प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं। जी सर जी प्रणाम सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। आजकल की जो डेली लाइफ है हमारी, जैसे फोन चलाते भोजन करना है, टीवी देखते भोजन करना, तो सर उस कंडीशन में भी तो उठकर आहार आइटकर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सर इसका कुछ है? क्योंकि डेली लाइफ मतलब डेली डे टू डे खराबी होती जा रही है सर, उठने का हो सोने का टाइम हो हर चीज सर, तो उसमें तो सर हर कंडीशन में फिर वो जितकर आहार से कम मात्रा मिली ज्यादा मात्रा मिली सर, वो बॉडी के लिए तो वैसे हार्मफुल कर रहा है। तो सर हर दूसरा इंसान बीमारी मतलब व्याधि से ग्रसित हो जाएगा सर फिर। नहीं आप थोड़ा शांति से बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, शांत तो बोलो, धीरे धीरे बोलो सर। हमारी जो डेली लाइफ स्टाइल है, थोड़ा माइक से थोड़ा दूर करके बोलिए ना, फोन चलाते हैं या भोजन करते हैं, हम टीवी देखते हैं, जो हमारा हितकर भोजन होता है तो सर वो हितकर में परिणत हो जाता है। तो सर वैसे हर दूसरा मतलब हर दूसरा व्यक्ति सर वैसे व्याधि से भी ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सम मात्रा में या कम मात्रा में खाएंगे तब भी वो हितकर भोजन अहितकर में बदल जा रहा है, अगर ज्यादा मात्रा में खा रहे फिर भी वो हितकर में तो बदल ही रहा है सर। तो सर इसका कुछ उपाय? उसका उपाय एक ही है, जहाँ तक हो सके प्रयास करना, और हम कितना भी पेशेंट मतलब हम कितना भी रोगी को बोलें कि नहीं आपको इतना कम मात्रा में भोजन करना है, या फिर भोजन करते वक्त आपको फोन नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना है, बट उनका डेली लाइफ स्टाइल ही वैसा है कि
क्वेश्चन तो उतना कंट्रोल नहीं होता है, तो उतना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर हम वो इंसुलिन हटाएंगे तो पेशेंट उतना ठीक नहीं होगा ना सर। फिर उस पर एक तरीका है कि उसको उसको बोलना कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उन चीज़ों का आप 8 दिन के बाद पालन करो, और 8 दिन में यदि आपने कोई परिवर्तन नहीं आया, लाभ नहीं हुआ, तो आप दोबारा मेरे पास मत आओ, ऐसा बोलकर उसको। तो जब ये ऐसा करेगा, एक बार सुनेगा आपकी 2 दिन 4 दिन, तो उसको निश्चित परिणाम मिलता है। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक तो में सर्जन थे, है अभी भी है, वो एक बार हमारे एक मित्र है उनके पास आए थे, और उनको अर्श था विथ पेन, अर्श था। हमारे मित्र ने कहा कि सर आप पानी बहुत पी रहे हो, ये कम करो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है, पानी का उसका क्या संबंध है, और हम कम नहीं कर सकते, हमारे सांस कहता है 10 लीटर पानी पियो, हम नहीं कर सकते, आप कुछ दवा दे दो। तो हमारे मित्र ने कहा कि सर मेरी आपको रिक्वेस्ट है, आप मेरा कहना 8 दिन केवल मानो, और 8 दिन के बाद यदि आपको कुछ फल नहीं मिला तो आप मेरे पास मत आओ, और आपको जो करना है वो चालू रखो। 8 दिन के बाद उसका फोन आया, सर मुझे थोड़ा समय चाहिए आपके साथ बात करनी, मैं अभी आऊँ क्या? उसने कहा कि 12 के बाद आओ। आया और आके बैठा तो वो ये पूछने लगा कि ये मुझे समझाओ कि आपने ये जो मुझे बताया पानी कम पियो ये क्यों बताया, उसका परिणाम तो मुझे ये हो रहा है कि मैं एकदम ठीक हो गया हूँ, ये कैसे हुआ? कब से वो पालन करता है, पर आज भी उसके जितने भी पेशेंट आते हैं पाइल्स के, उनको भी कहता है पानी कम पियो। सुनते हैं लोग, सुनते हैं, एक बार यश मिला उनको, पेशेंट मिला तो निश्चित सुनते हैं। हमको हमारा पेशेंस नहीं खोना है, बोलते रहेंगे एक पेशेंट ठीक हो गया, वो दूसरे को बढ़ेगा नहीं, उसके पास जाओ, ये जो कहता है बराबर कहता है। इस प्रकार आपको प्रयास करते रहना चाहिए, कभी ना कभी यश मिलेगा। और जो नहीं सुनते हैं उनको कह देना आप मत आओ मेरे पास, यदि सुनना नहीं है तो आप नहीं आना, आपका पैसा मत खर्चा करो, मेरा समय मत खर्चा करो, इतना सीधा बोल लो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलो बंद करें जी, एक क्वेश्चन लास्ट, एक क्वेश्चन है साहब जी सर, बोलो। हेलो नमस्कार साहब, आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आयुर्वेद से बड़ा कोई धर्मशास्त्र है कि नहीं आपकी दृष्टि से? आयुर्वेद के सिवा, आयुर्वेद के सिवा आयुर्वेद से बड़ा कोई धर्मशास्त्र है कि नहीं आपकी दृष्टि से? आयुर्वेद से बड़ा कोई धर्म है कि नहीं? धर्म नीचे धर्म है ना, नीचे धर्म सदाचार, ये है बड़ा है, नैतिक अधिष्ठान ये सबसे बड़ा है। तो बस अभी प्रश्न हो गए सर पूरे, तो हम आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अभी मैं वैद्य प्राची जी को आग्रह करूँगा कि वह शांति मंत्र बोलेंगे। वैद्य प्राची भद्रम कर्णेभिः श्रुणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमा अक्षिभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गे तुष्टवांस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु।
ओम द्रौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्व देवा शांति सर्वगुं शांति शांति रेति शांति सामा शांति रेव ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रणाम। शुभ रात्रि सर। सर शुभ रात्रि सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर।